नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर ये आपका डोमिनेटिंग हैंड यानी राइट है, तो इसका ओवरऑल एनालिसिस होगा, और लेफ्ट पाम से हम सिर्फ आपका लक फैक्टर देखने के लिए उसमें एनालिसिस करेंगे कि कब से करियर में या लक में आपके चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बात करें आपके फिंगर की लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट देखने को मिलेगी, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। क्विक एक्शन और क्विक डिसीजन लेना, यह आपके नेचर में है। टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट सुनना, ये भी आपको पसंद आने वाला रहेगा। ज़्यादा बेफिजूल की बातों में पड़ना या ज़्यादा सुनना या ज़्यादा कहना, इन सब चीज़ों में आपका मन ज़्यादा लगेगा नहीं। आपका सीधे फोकस रिजल्ट को लेकर के होगा। सीधे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आप बात करना पसंद करेंगे, ना कि बीच के जो एक प्रकार के प्रोसीजर होता है उसको लेकर के। यही रीज़न है एकमात्र कि ज़्यादा किसी के अंडर में रह करके आप कंफर्टेबली फील नहीं कर पाएंगे, वहीं अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपके अंदर कम देखने को भी मिल रहा है। बाकी बात करें आपके थंब के साइज से पहले यहाँ पर लिटिल फिंगर के लेंथ के विषय में, तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहने वाला है। अपनी बात को बड़ी ही सरलता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन में बात को दबाना, ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। डिसिप्लिन मेंटेन और मैनेजमेंट भी अच्छा आपका इस कारण से रहने वाला रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखे रहना या कुछ ना कुछ बातों को सोचते विचारते रहना या कुछ ना कुछ नया एक प्रकार से क्रिएशन करते रहना, यानी ओवरऑल रिसर्च करते रहना, ये नेचर में है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर के साथ साथ रिस्क टेकिंग नेचर भी आपका रहेगा। कभी भी अपना हिम्मत आप हारेंगे नहीं, और जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आई तो सबसे पहले आपका हाथ उठेगा। तो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागेंगे भी नहीं, नॉलेज लाइफ में अच्छा गेन कर पाएंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपका अच्छा रहने वाला रहेगा। बाकी यहाँ देखा जाए तो फैलेंजेस डेवलप्ड ठीक है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा डेवलप है, तो इस कारण से स्टेमिना और ऊर्जा आपके अंदर अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी देखने को मिलेगी, जो एक प्रकार के फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, तो इस कारण से हर परिस्थिति माहौल में आप ढल जाने के सक्षम भी रहने वाले रहेंगे। और कुछ आड़ी रेखा भी है जो रिलेशन में अनबन, मतभेद या थोड़े डिस्टेंस को बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो रिलेशन है उसको प्रॉपरली मैनेज एट द एंड कर लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, हालांकि आपने थोड़ा सा उसको डाउन भी कर रखा है, थंब को टिल्टेड कर रखा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थंब आपका शॉर्ट है, जो एक प्रकार के शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा डिसीजंस ज़्यादा लेना और उन डिसीजंस के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर देना, ये नेचर में रहता है। एडजस्टेबल नेचर रहेगा, तो उस कारण से आप हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम भी रहेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके नेचर में ओवरऑल देखी जाए तो रहने वाली है। इसके अलावा पाम के साइज़ के विषय में आते हैं, तो देख पाएंगे कि नीचे का एरिया कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। ये चंद्र और शुक्र का एरिया है, जिसके कारण आप जैसे लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिजनेस में आपका ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधाओं के प्रति आपका झुकाव, रुझान, ध्यान रहने वाला भी रहेगा। पाम के साइज़ में यहाँ देख पाएंगे तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन बहुत अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा या ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। फिर जो भी माइंड में थॉट आए उसको लेकर के डायरेक्ट एक्शन करते हैं, फिर जाकर के थिंकिंग करते हैं कि आपने सही किया या गलत, तो ये गलत चीज़ है। पहले थिंकिंग करिए, फिर अगर एक्शन लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ग्रोथ के चांसेस और ज़्यादा आपके, या एक प्रकार से सेटिस्फैक्शन रिजल्ट मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर के जितने भी माउंट थोड़ा कम एरिया ले रहे हैं, लेकिन गुरु अपने आप में तब भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से आत्मसम्मान आपके अंदर अच्छा रहने वाला रहेगा। नॉलेज हमेशा गेन करने के साथ साथ एम्बिशियस नेचर भी आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो भी आपकी ड्रीम या डिज़ायर है उसके प्रति आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन रहने वाला रहेगा, और कभी भी आप अपने एम को लेकर के सेक्रीफाइस अपने लाइफ में नहीं करेंगे। तो इस कारण से जब प्रोग्रेस लाइन हाथ में होती है तो आप जैसे लोग निरंतर ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि वो जो एम्बिशन है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इस कारण से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी आपके तकरीबन 17-18 उम्र के बाद से बढ़ना शुरू हो गई है। बात करें यहाँ पर शनि की, तो शनि का क्षेत्र थोड़ा दब रहा है, लेकिन शनि रेखा यहाँ पर मौजूद कुल मिलाकर के अच्छी है, तो धन से रिलेटेड जीवन में आपको कभी कुछ ज़्यादा कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि बायफोर्क भी यहाँ पर आपकी मनी लाइन पर हो गया है, यानी शनि की रेखा पे, तो इस कारण से धन
इनफ अमाउंट में हमेशा अवेलेबल रहता है। जहाँ तक रही आपके करियर की बात, तो यस, यहाँ आपके फेट लाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपकी फेट लाइन अप्रोक्सीमेटली बचपन से ही स्टार्ट है, तो बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिली हुई है। फिर ये जो आपकी भाग्य रेखा है, ये डबल लाइन के साथ चल रही है अप्रोक्सीमेटली 21+ एज के बाद से। तो कहीं ना कहीं डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस भी आपके 24-25 के एज के बाद से ज़्यादा अच्छे रहे हैं। फिर यहाँ पर आपकी फेट लाइन चेंज हुई है, तो अप्रोक्सीमेटली करियर में भी चेंजेस आपके 27 से लेकर के 30 के बीच में अच्छा आया है। और फिर ये रेखा सीधे शनि तक पहुँची है और एक सपोर्टिव हल्की सी लाइन भी चल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिल रहा है। फेट लाइन में चेंजेस होने के कारण करियर वाइज ही चेंजेस को इंडिकेट करता है। और अप्रोक्सीमेटली 48-50 के लमसम में आते आते एक और लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं प्रोफेशन आपका एक कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन किसी अनदर प्रोफेशन में भी आपकी एंट्री अप्रोक्सीमेटली 48 के एज में शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ बात करें आपके बीच की ये रेखा की, तो ये अच्छे नॉलेज और एडवाइज़र को इंडिकेट करता है। किसी को गाइड आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आपके पास अच्छा रहने वाला है। सूर्य माउंट भी यहाँ वीक हो गया है, तो इस कारण से आत्मविश्वास की थोड़ी कमी आपके अंदर रहने वाली है। यहाँ बात करें तो बाहरी मंगल के क्षेत्र से सूर्य रेखा आई है, तो जीवन में स्ट्रगल बहुत रहता है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, स्ट्रगल के बाद ही लाइफ में सक्सेस मिलता है। हालांकि बाहरी मंगल से जब सूर्य रेखा प्रारंभ होती है, तो आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के साथ साथ दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञावान व्यक्तित्व में भी आते हैं, क्योंकि बाहरी मंगल मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और जब यहाँ से कोई रेखा सूर्य तक आए, तो ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम के माध्यम से ही अपना नाम रोशन करने वाले रहते हैं। तो आपका नाम, इज्जत, सम्मान, सब चीज़ बहुत अच्छा देखने को यहाँ मिल रहा है। और भी कुछ रेखाएं हैं जो यहाँ चल रही हैं, जो बताती है कि एक ही समय पर आप एक से ज़्यादा काम करेंगे, यानी मल्टीटास्किंग नेचर यहाँ पर आपका रहने वाला है। यहाँ देखेंगे आप तो एक क्लियर कट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जो प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है। बर्थ प्लेस से दूर आपके खुद के प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मरकरी माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, मन के अंदर कोई भी बात नहीं दबाएंगे आप। और एक से अत्यधिक रेखा मेडिकल सिग्माटा साइन को क्रिएट करता है, जिसके कारण आप जैसे लोगों में बोलचाल की कला बहुत अच्छी रहती है। अपने बात से दूसरों को बहुत अच्छा प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ मार्केटिंग स्किल में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेस्ट इंडिकेशन होता है, क्योंकि आपके पाम में बिजनेस लक लाइन यानी मरकरी लाइन भी बहुत क्लियर कट अवेलेबल है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हर बार आपका यहाँ पर बन रहा है। इस कारण से जीवन में धन अच्छा आता भी है, रुकता भी है, और उसका सदुपयोग भी होता है। उम्र से भी आप थोड़ा कम दिखेंगे, और एक से ज़्यादा भाषाओं के का ज्ञान भी आपको रहने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देखने को मिलता है। हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं अपने आप को खुश आप रख पाएंगे। एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, 55 क्रॉस के बाद हेल्थ रिलेटेड ट्रबल यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ हो सकता है, मैंने इसलिए कहा कि मैं मतलब इसमें कोई भी पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर होता है, वो ये नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, बट ये जरूर चाहता है कि बुरा होते होते रह जाए। तो इसके लिए जो रेमेडीज़ है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर कभी भी नेगेटिव नहीं कहते, और किसी भी कंडीशन में नेगेटिव हो भी, दिख भी रहा हो, तब भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से सामने वाला पर व्यक्ति कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़्यादा होता है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो सच सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो सॉल्यूशन का क्या होगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब आइलैंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता है किसी भी रेखा पे, तो फिर ये खराब परिणाम ही देता है। और जब हृदय रेखा पे बने, तो हेल्थ रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स फिर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे आप तो आपकी हृदय रेखा कंपेरेटिवली एकदम सीधे जा रही है, तो वर्कोहॉलिक नेचर रहेगा, वर्क के प्रति ज़्यादा झुकाव फिर आपका रहने वाला रहेगा। और यहाँ से कुछ शाखाएं निकल के गुरु से भी कनेक्टेड है, तो ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी का 1 रुपये भी आप अपने पास नहीं रखेंगे, इतने ईमानदार और इतने साफ सुथरे दिल के आप रहने वाले हैं। किसी का बुरा चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, थोड़े इमोशनल नेचर में भी बढ़ोतरी होती है। बाकी आपका जो एक प्रकार से मैनेजमेंट है इमोशंस और प्रैक्टिकल नेचर को लेकर के, ये भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर आप देख पाएंगे। एक प्रकार से छोटा सा आइलैंड का फॉर्मेशन पहले भी बना है, फिर यहाँ बीच में भी बनता देखने को मिल रहा है, फिर आगे की ओर ये रेखा ऊपर की ओर उठी है, फिर कंटिन्यूस आगे बढ़ी है। तो एक तो बचपन में यानी 7 से लेकर के 14 की उम्र के बीच में कोई ना कोई किसी न किसी वे में मेंटली ट्रबल इशू रहा है। फिर उसके बाद तकरीबन
5 एज से लेकर के तकरीबन 32-34 के बीच में भी टेंशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन से ऊपर की ओर ये जो रेखाएं उठ रही हैं, इस कारण से आप डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे, अपने डिसीजंस के कारण आप ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे। और माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट चल रहा है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, सीधे स्पष्ट बातचीत करना व सुनना पसंद रहेगा। मेमोरी शार्प रहेगी तो पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में आप सक्षम रहेंगे, और ग्रेसिपिंग स्किल यानी कोई भी चीज़ सीखने व समझने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी है। ओवरऑल आपका जो माइंड लाइन है वो आपको ग्रोथ अच्छा जीवन में दिलाएगा, कभी ज़्यादा डाउन होने नहीं देगा। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पर बात निकल के आती है। बाकी लाइफ लाइन की यहाँ बात करें आपके, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर बाहर की ओर पूरा का पूरा चल गया है, जिसके कारण फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 80% अवेलेबल है। और जहाँ तक रही फॉरेन में खुद के प्रॉपर्टी होने के चांसेस, तो यस वो भी अवेलेबल हैं। आप ये जो आपकी फेट लाइन गई हुई है, इसका कुछ कनेक्शन इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो जब ये ट्रायंगल फॉर्मेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 101% वैसे होने ही वाला ही है, प्रोमिनेंट चांसेस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी खुद का होगा, क्योंकि सूर्य माउंट भी यहाँ पर आपका यही इंडिकेट कर रहा है। बाकी लाइफ लाइन में देखा जाए तो आपके राहु की रेखा यहाँ पर कंटिन्यूस अफेक्ट कर रही है, तो रहते रहते लाइफ में उतार चढ़ाव आपके हमेशा कहीं ना कहीं देखने को ही मिला है। और थोड़ा जो टफ सिचुएशन लाइफ में रहा है वो तकरीबन 28 के एज से लेकर के 36 के बीच में रहा है। इसके बाद जीवन रेखा के पैरेलल आपके सहयोगी रेखा यानी एक प्रकार से गार्जियन एंजल लाइन भी देखने को मिल रहा है, मंगल की रेखा भी है, तो सहयोग भी आपको जीवन में कुल मिलाकर के दूसरों का समय समय पर मिला है, और अच्छा सहयोग 36 के एज के बाद में देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में, तो और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी नहीं है, अंदरूनी मंगल अच्छा डेवलप है, तो शारीरिक गठन बल यानी एनर्जी अच्छी देखने को मिलती है, बाहरी मंगल भी डेवलप्ड है, तो किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ पराक्रम जीवन में यानी मेहनत आप अच्छा जीवन में कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो कुछ रेखाएँ निकल के आपके यहाँ हृदय रेखा तक भी जा रही है, जो कि एक प्रकार के एग्रेसिव नेचर यानी स्टार्टिंग लाइफ में एग्रेसिव ज़्यादा थे, चिड़चिड़ ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी फिलहाल इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल आपका ठीक है। शुक्र शासित हाथ है तो लग्जरियस लाइफ की चाहत के साथ साथ ये थोड़ी कामुकता भी देता है। तो ओवरऑल देखें तो हर प्रकार की सुख सुविधा रहेगी आपके पास, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार जितनी भी ये लग्जरियस आइटम लाइफ में होती है, ये सब चीज़ आपके पास रहेगा, सब चीज़ का सुख उठा यहाँ पर आप उठा पाएंगे, अच्छा इन्जॉयमेंट कर भी पाएंगे, धन भी अच्छा आएगा, खर्चे भी ज़्यादा आपके रहने वाले हैं। और सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ में कोई भी ऐसी कमी नहीं है। आप थोड़े टेंस्ड अपने फैमिली को लेकर के या फैमिली से रिलेटेड मतलब फैमिली के किसी व्यक्ति के हेल्थ से रिलेटेड रह सकते हैं इन फ्यूचर, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम शुक्र में नहीं है। केतु माउंट कंपेरेटिवली आपका ठीक है, और यहाँ पर भी बारीकी से अगर देखा जाए तो एक प्रकार से आपका फिश सिंबल की आकृति क्लियर कट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन ये लाइफ लाइन नहीं फेट लाइन पर है, जिसके कारण सडन गेन वेल्थ को ये इंडिकेट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो और भी प्रोग्रेस, तो इस कारण फॉरेन लैंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी देखने को मिलता है। कुछ और रेखाएं हैं जो इस प्रकार से आपके यहाँ पर बुध की तरफ झुकी हुई है, तो मल्टीपल बिजनेस होने के चांसेस भी यहाँ डेवलप्ड है, इंडिपेंडेंटली वर्क करके ग्रोथ अच्छा दिख रहा है आपका, और चंद्र का क्षेत्र भी डेवलप है तो काल्पनिकता भी अच्छी रहेगी, थिंकिंग एबिलिटी और लॉजिकल पर्सनैलिटी भी आप पर अच्छी रहेगी, सच सुनना सच का साथ देना ये आपको पसंद रहने वाला है, और चंद्र जो है बेसिकली आर्टिस्टिक या क्रिएटिविटी भी व्यक्ति के अंदर देता है, तो ये नीचे कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आने वाला जो समय है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल आपका और ज़्यादा भी होने वाला रहेगा 48 के बाद। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और फॉरेन लैंड में सेटलमेंट के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट है। लेफ्ट पाम में यहाँ पर आपके फेट लाइन के विषय में आपको मैं बता दूँ, तो फेट लाइन भी आपके यहाँ पर लाइफ लाइन से निकली हुई है, जो सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करती है, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बहुत बारीकी से, तो यहाँ फेट लाइन आपकी कंटिन्यूस चल के सीधे शनि तक पहुँची, और एक और सहयोगी रेखा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है, और ये भी 48 अप्रोक्स एज ही इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल लक का साथ अब आपको अच्छा यहाँ पर मिलने वाला रहेगा, और कोई भी यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ या परेशानी नहीं है। तो यह भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।